हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। हॉलीवुड की 5 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो अक्टूबर 2023 में रिलीज होंगी। अक्टूबर 2023 में कोई बड़ी एक्शन या फिर सुपर हीरो फिल्म तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ हॉरर फिल्म के साथ लियोनार्डो डी कैप्रियो की क्राइम ड्रामा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून अक्टूबर के महीने में रिलीज होगी। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के साथ अक्टूबर के महीने में कुछ और इंटरेस्टिंग फिल्में आने वाली हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अक्टूबर 2023 में हॉलीवुड की कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। गॉड ने तुम्हारे साथ खेल खेला। नंबर 5, द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। एक खतरनाक हॉरर फिल्म आ रही है जिसके ट्रेलर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर आपने द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर का ट्रेलर नहीं देखा है तो भाई आपको ये ट्रेलर जरूर देखना चाहिए। हॉलोवीन फिल्म के डायरेक्टर डेविड गॉर्डन ग्रीन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 1973 में आई एग्जॉर्सिस्ट फ्रेंचाइज की पहली फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट की सिक्वल है। यहाँ इस ट्रेलर में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो जंगल में गायब हो जाती हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर एक शैतानी आत्मा है। आगे कैसे वो शैतानी लड़कियों पर हावी होता है और फिर कैसे उस शैतान को निकालने का सिलसिला चालू होता है, ये हमें आगे इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर काफी डरावना है, तो अब देखते हैं कि फिल्म कितनी डराती है। ये फिल्म हिंदी में भी 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। एक लड़की जिएगी, एक लड़की मरेगी, तुम्हें ये चुनना होगा। नंबर 4, पेट सेमेट्री ब्लडलाइंस। 2019 में आई सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म पेट सेमेट्री को तो आप सबने देखा ही होगा। पेट सेमेट्री ब्लडलाइंस उसी फिल्म की प्रीक्वल है जिसमें हमें जूड की कहानी देखने को मिलेगी। पेट सेमेट्री का वो बूढ़ा आदमी जिसने अपनी वाइफ को दोबारा से जिंदा किया था। यहाँ इस ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि कैसे जूड एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर जूड कुछ ऐसे ही मरे हुए लोगों का सामना करता है। ट्रेलर इंटरेस्टिंग है जिसमें काफी ज्यादा हॉरर और थ्रिल नजर आ रही है, तो अब देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। ये फिल्म भी 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 3, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। लियोनार्डो डी कैप्रियो की ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे मार्टिन स्कॉर्सीज ने डायरेक्ट किया है। मार्टिन स्कॉर्सीज ने ही लियोनार्डो डी कैप्रियो की सुपरहिट फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, सटर आइलैंड और गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क को डायरेक्ट किया था। बात करें किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की, तो इस फिल्म की कहानी 1920 में हुए ओक्लाहोमा मर्डर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। लियोनार्डो डी कैप्रियो फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं कुछ और बड़े कलाकार सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म करीब 3.5 घंटे की होने वाली है। जी हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि 3.5 घंटे की ये फिल्म कैसी होती है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 2, पैन हसलर्स। पैन हसलर्स एक क्राइम ड्रामा फिल्म होगी जिसमें एमिली ब्लंट और क्रिस इवंस लीड रोल में नजर आएंगे। डेविड येट्स, जिन्होंने हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, उन्होंने ही इस क्राइम ड्रामा फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। टीजर में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिल्म की कहानी एक साजिश के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। क्या कुछ होगा, तो जब तक इसका ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। पैन हसलर्स 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसके अगले हफ्ते ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, यानी कि आप 27 अक्टूबर से इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हिंदी टीजर आया है, तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज होगी। क्या ये लीगल भी है? 55 की लिमिट में हम 60 पर हैं। नंबर 1, द किलर। नेटफ्लिक्स और सिनेमाघरों में एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म आ रही है जिसे डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया है। माइकल फेसबेंडर फिल्म के लीड रोल में होंगे, जो इस फिल्म में एक प्रोफेशनल किलर के रोल में नजर आएंगे। द किलर फिल्म की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ट्रेलर में सस्पेंस से भरी एक एक्शन ड्रामा कहानी नजर आ रही है। बाकी क्या कुछ होगा, तो वो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। द किलर फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसके 2 हफ्ते के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज होगी। अपने प्लान पर टिके रहो, किसी पर भरोसा मत करो। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की 5 बड़ी फिल्में जो बहुत जल्द थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं। आप इन 5 फिल्मों में से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।